थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायकपुर के जो 5 दोस्त हैं बालोड डैम में घूमते हैं, घूमने के बाद रानी मंदिर के दर्शन के वक्त उसी दौरान एक बाइक में जो 3 सवार थे वो अनियंत्रित होकर रोड के किनारे कर्व होने से बाइक में 3 लोग सवार थे जो रोड के किनारे घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर एक सवार को भी सूचना दी गई, मौके पर उपस्थित होने के बाद उसे इलाज हेतु हॉस्पिटल लाया गया था जहां डॉक्टर द्वारा चेक कर दी। नजर हटी दुर्घटना घटी, ये स्लोगन हाईवे के तमाम बोर्ड में आपने पढ़ा होगा और ये इसलिए लिखा होता है कि ड्राइविंग करते समय आप अपनी नजरों को सड़कों पर बनाए रखें, रास्तों पर बनाए रखें। अगर हमने कई सारे ऐसे हादसे भी देखे हैं, आपको खबरों के माध्यम से अपडेट भी किया है कि नजर हटने से कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं और कई जाने भी गई है। एक ऐसा ही मामला बालोद से निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल पुलिस को सूचना मिलती है दोपहर के 3 बजे के आसपास, 3 लड़के जो हैं वो बेहोश अवस्था में सड़क किनारे पड़े हुए हैं। तुरंत पुलिस की टीम पहुंचती है, 108 को बुलाया जाता है, तीनों लड़कों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, वहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। जब जानकारी इकट्ठा की जाती है तब पता चलता है कि दुर्ग जिले के अंडा थाना क्षेत्र से ग्राम विनायकपुर से 5 दोस्त जो हैं वो पिकनिक मनाने बालोद आते हैं। दोपहर 1 से 1.5 बजे के आसपास वो बालोद निकलते हैं बालोद डैम घूमने के लिए। बालोद डैम घूमने के बाद रानी मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे होते हैं। उसी वक्त उनकी गाड़ी जो है पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ के नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता है जिससे उनके सर में चोट लगने से तीनों की मृत्यु हो जाती है और दूसरे बाइक में 2 दोस्त और रहते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। दरअसल मंगलवार का दिन था और उसमें से एक दोस्त जो है जो इस पूरे पिकनिक को लीड कर रहा था वो सलून में काम करता है अपने पिता के साथ। मंगलवार सलून बंद होने की वजह से आज का प्लान बनता है कि चलो आज घूम कर आते हैं और घूमने के लिए 5 दोस्त निकलते हैं 2 बाइक में और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायकपुर के जो 5 दोस्त हैं आपको बता दूं, नमन कुमार सेन पिता युवराज सेन 21 वर्षीय जो अपने पिता के साथ सलून में काम करता था, देवेंद्र निषाद पिता हंसराज निषाद 22 वर्षीय जो मजदूरी का काम करता था, खिलेंद्र कुमार पटेल पिता रोशन लाल पटेल 24 वर्षीय जो पेंटिंग का काम करता है, ये 3 वो शख्स हैं जिनकी हादसे में मृत्यु हो गई। और जो दूसरे बाइक में सवार थे वो 2 शख्स बता दूं आपको, नमन का भाई डेविड सेन, दूसरा शख्स दिलेश्वरी साहू। ये 5 लोग पिकनिक ले गए होते हैं, बालोद डैम में घूमते हैं, घूमने के बाद रानी मंदिर के दर्शन के वक्त ये सारा हादसा होता है। क्या कुछ हादसा हुआ ये आप आगे पुलिस की जबानी सुनिए। इस खबर में जो चीजें निकलकर सामने आई उससे ये तो स्पष्ट है कि ये 5 दोस्त जो हैं वो शराब का सेवन नहीं किए थे, नशे की हालत में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम बार बार खबरों के माध्यम से अपडेट करते आए हैं कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, नशा नाश है। और अगर आप किसी भी प्रकार की पिकनिक में या घूमने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से प्री प्लान करके जाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, 3 लोग एक गाड़ी में सवार होकर ना जाएं। जो ट्रैफिक रूल्स हैं कि एक बाइक में एक दोपहिया वाहन में केवल 2 शख्स बैठ सकते हैं वही करें, और हेलमेट ज़रूर पहने क्योंकि जिस प्रकार से पेड़ से गाड़ी टकराई और गाड़ी टकराने के बाद नीचे पत्थर में जाकर उनका सर टकराया, अगर हेलमेट पहने होते तो शायद जान बच सकती थी। एक उम्मीद थी कि हेलमेट की वजह से जान बच गई, मगर ऐसा नहीं हुआ, हेलमेट नहीं पहने थे जिस वजह से ये घटना जो है वो इतनी बड़ी हो गई और एक साथ 3 दोस्त की जान चली गई। आप इस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस हादसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज लगभग 3 बजे थाने को सूचना मिली, रानी मार्ग पर एक बाइक में 3 लोग सवार थे जो रोड के किनारे घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, जिस पर एक सवार को भी सूचना दी गई, मौके पर उपस्थित होने के बाद उसे इलाज हेतु हॉस्पिटल लाया गया था जहां डॉक्टर द्वारा चेक करके उसकी मृत्यु होने की पुष्टि की गई। जांच क्रम में पूछे जाने पर यह पता चला कि ये 4 लड़के जो दुर्ग जिले के अंडा थाना अंतर्गत विनायकपुर ग्राम के निवासी हैं वो आज 2 बाइक में यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे और तांदुला डैम घूमने के पश्चात ये लोग रानी माई मंदिर जाने के लिए निकले थे। उसी दौरान एक बाइक में जो 3 सवार थे वो अनियंत्रित होकर रोड के किनारे कर्व होने से वो नीचे गिरे और वहाँ पे पेड़ और पत्थर जो रखे थे उससे चोट होकर उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें मर्ग कायम कर अग्रिम जांच कार्रवाई की जा रही है।